खजराना क्षेत्र स्थित सिपा हॉस्पिटल पर पत्रकारिता की आवाज दबाने के विरुद्ध दायर परिवाद याचिका पर कोर्ट ने 3 जुलाई तक पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। गत दिनों सिपा हॉस्पिटल में हो रही अनियमितता, अवैध पार्किंग, कई प्लॉट के अवैध रूप से जोड़कर निर्माण करने, मरीजों से हो रही ज्यादा फीस वसूली, निगम कर हॉस्पिटल के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन आदि को लेकर एक चैनल के पत्रकार द्वारा आवाज उठाई गई, जिसको दबाने की नियत से हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता द्वारा पुरजोर कोशिश भी की गई। पीड़ित के द्वारा अभिभाषक के माध्यम से हॉस्पिटल के विरुद्ध निगम को भेजे गए डिमांड ऑफ जस्टिस के नोटिस के बाद हरकत में आए निगम ने हॉस्पिटल प्रबंधन और अन्य से लाखों रुपए का कर जमा करवाया। यह गत दिनों यहाँ पर खजराना रोड स्थित ममता कॉलोनी के आसपास के अंदर एक सिपा हॉस्पिटल है। इस सिपा हॉस्पिटल के यहाँ पर एक पीड़ित अक्रम जो वहाँ पर मरीज था, उसकी पत्नी जो वहाँ पर मरीज थी, उनसे अवैध वसूली और ज़्यादा फीस वसूली को लेकर वहाँ एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें जो पीड़ित रिपोर्टर है दाऊद कुरैशी न्यूज़ चैनल INC24 को, जिसके बाद उन्होंने और अन्य रिपोर्टर को प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाकर तस्दीक पे उन्होंने जब पाया कि वहाँ पर कई मरीजों का परेशान किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, और साथ में ही वहाँ पर दो संयुक्त प्लाटों को लेकर दो पृथक पृथक प्लाटों को लेकर संयुक्तकरण प्लाट बनाते हुए उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, कई प्रकार के उनको कर चोरी की भी संभावना व्यतीत हो रही थी। इसी दौरान हमारे माध्यम से जर्नलिस्ट माध्यम की तरफ एक डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस नगर निगम के आयुक्त महोदय को पूछा गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसमें लाखों रुपए की कर जमा करवा गया निगम ने उक्त सिपा हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता और जो प्रबंधक महोदय थे उनसे।